गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज योर जीके क्लास। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 22। द नेम ऑफ द चैप्टर 22 इज बॉडी पार्ट्स। ठीक है, शरीर के अंग। आर बॉडी इज लाइक अ मशीन। हमारी जो बॉडी है वो एक मशीन की तरह काम करती है। एवरी पार्ट ऑफ इट प्ले अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ। ठीक है, इसका हर अंग जो है वो एक महत्वपूर्ण रोल हमारी जीवन में प्ले करता है। मतलब हमारे शरीर के हर अंग का क्या है, एक वाइटल मतलब महत्वपूर्ण, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। हियर आर टॉप 10 ऑफ आर बॉडी पार्ट्स। यहाँ पर जो हमारे टॉप 10 के जो बॉडी पार्ट्स है, जो हमको दिखाई देते हैं और जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो सारे पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बॉडी में, अगर एक भी पार्ट में कुछ हमको अगर इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, या फिर किसी वजह से हम बीमार हो जाते हैं, तो हमको बहुत परेशानी आती है ना। तो सारे ही पार्ट बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बट यहाँ पर कुछ 10 पार्ट्स के बारे में बताया हुआ है, तो वो अब हम पढ़ेंगे और साथ में उसकी पिक्चर भी दी हुई है। ओके, फर्स्ट है, फर्स्ट में आपको पिक्चर में क्या दिख रही है, आईज। आईज मतलब आँखें, जिससे हम ये बहुत जो सुंदर दुनिया गॉड ने बनाई है उसको हम देख सकते हैं। वी सी द वर्ल्ड विथ आर आईज। ठीक है, दुनिया को हम हमारी आँखों से देखते हैं। नाउ नेक्स्ट है ईयर्स, कान दिख रहा है आपको। वी हेयर साउंड विथ आर ईयर्स। ठीक है, कानों से हम क्या करते हैं, सुनते हैं किसी भी आवाज़ को। हम सुनने के लिए किसका उपयोग करते हैं, हमारे कान का। ओके, नाउ नेक्स्ट है लिप्स। लिप्स हेल्प अस इन टॉकिंग एंड ईटिंग। जो लिप्स हैं, जो हमारे होठ है, वो हमको किस काम में आते हैं, किस में मदद करते हैं, हमारी बात करने के लिए और खाने के लिए। नाउ नेक्स्ट नोज। वी स्मेल विथ आर नोज। हम हमारी नोज से क्या करते हैं, सूंघते हैं। हमको अगर किसी भी चीज़ के बारे में पता लगाना है तो हम कैसे पहचानते हैं उसको, अगर हम मान लीजिए हम आँखों से नहीं देख रहे और हमको उस चीज़ के बारे में और किसी से पता लगाना है, तो हम सूंघ के भी पता लगा सकते हैं कि ये चीज़ कौन सी है। नाउ नेक्स्ट टंग। टंग दिख रही है आपको। वी टेस्ट थिंग्स विथ आर टंग। ठीक है, हम अच्छी अच्छी चीज़ों का स्वाद किससे लेते हैं, हमारी जीभ से। अगर कोई चीज़ कड़वी है, मीठी है, खट्टी है, सॉल्टी है, कैसे पता चलता है हमको, हमारी टंग से। नाउ नेक्स्ट है हैंड्स। वी होल्ड थिंग्स विथ आर हैंड्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है ये हमारी बॉडी की। हम चीज़ों को पकड़ते किससे हैं, हमारे हाथों से। हम लिखते भी हाथों से है, और कुछ भी अगर हमको काम करना है तो हम हमारे हाथों का ही यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक नोट दिया है, देयर इज़ अबाउट 70% वाटर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। एक मानव के शरीर में पानी का जो प्रेजेंट मतलब प्रतिशत है वो कितना रहता है, 70%। ठीक है, सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में पानी रहता है, तो इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए ताकि हमारे शरीर में पानी की कमी ना हो। नाउ नेक्स्ट है फिट। वी स्ट्रेन आर फिट। ठीक है, फिट पैर। पैरों पर हम क्या करते हैं, हम हमारे पेड़ों पर खड़े होते हैं, चलते हैं। ठीक है, उसके लिए हमको हमारे पैर बहुत ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट है फिंगर्स। वी यूज़ आर फिंगर्स इन डूइंग वर्क और होल्डिंग थिंग्स। ठीक है, उंगलियाँ, उंगलियों का उपयोग हम क्यों करते हैं, चीज़ों को पकड़ने के लिए और किसी भी काम को करने के लिए। यहाँ पर देखिए, अगर आपको मोबाइल चलाना है, लैपटॉप चलाना है, कुछ भी करना है, तो हम हमारी उंगलियों की मदद से करते हैं। हेयर गिव अस गुड लुक। ठीक है, यहाँ पर बालों की पिक्चर दी हुई है, साथ में क्यूट सा बेबी भी दिया है, तो जो बाल है वो हमको बहुत अच्छा लुक देते हैं। अगर जिसके बाल नहीं होते हैं या फिर जिसके बाल हटा दिए जाते हैं, तो वो थोड़े दिन के लिए कैसा दिखता है। ठीक है, तो बालों से क्या होता है, हमारी बॉडी का, हमारे फेस का लुक आता है। नाउ नेक्स्ट है नेल्स। नाखून। वी हैव नेल्स इन हैंड एंड फूट फिंगर्स। ठीक है, हमारे पास नाखून कहाँ कहाँ पर है, हमारे हाथों में और हमारे पैर की उंगलियों में, जो कि बहुत ही साफ और स्वच्छ रखना है हमको। और नेल्स और हेयर दो चीज़ें ऐसी है बॉडी में जिसको कट करने से हमको दर्द नहीं होता है। बाकी चीज़ों को अगर आप थोड़ा सा भी, अगर आप कुछ, हमको चोट लगती है, कुछ होता है, तो हमको बहुत दर्द होता है। ओके, नाउ नीचे आपको एक एक्सरसाइज दी है, इट्स वेरी इजी। मैच द फॉलोइंग, वन इज डन फॉर यू। एक यहाँ पर एग्जांपल के लिए करके दिखाइए, बाकी आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट है आई स्मेल विथ माई। ठीक है, मैं स्मेल करता हूँ, सूंघता हूँ मेरी
नोज से, तो यहाँ पर नोज से मैच किया है। इसी तरह आपको सारे पढ़ना है और इनको मैच करना। आई च्यू फूड विथ माई, ठीक है, मैं खाना चबाता हूँ। आई वियर टाई अराउंड माई, मैं टाई पहनता हूँ। आई होल्ड बैट विथ माई, ठीक है, मैं अपना बैट पकड़ता हूँ। आई कैरी माई बैग ऑन माई, मैं मेरे बैग को कैरी करता हूँ। मतलब कहाँ कहाँ करते हो आपको इधर ये पढ़ना है और इससे बॉडी पार्ट से मैच करना है। आई वियर अ वॉच ऑन माई, ठीक है, मैं मेरी घड़ी पहनता हूँ। आई वियर शूज़ ऑन माई, मैं मेरे जूते पहनता हूँ। आई वियर अ बेल्ट ऑन माई, मैं मेरा बेल्ट पहनता हूँ। आई सी ब्यूटिफुल बर्ड्स विथ माई, ठीक है, मैं सुंदर सुंदर पक्षी देखता हूँ। मेरी किससे देखता हूँ, से आपको मैच करना है। आई लिसन अ सॉन्ग विथ माई, ठीक है, मैं गाना सुनता हूँ। मेरी गाना किससे सुनता हूँ, मेरे कानों से, ठीक है। लास्ट वाला मैंने बता दिया आपको, तो आप कान को क्या कहते हैं इंग्लिश में आप ढूंढेंगे, और बॉडी पार्ट्स सभी बच्चों को पता है। मैंने यहाँ पर ये हिंदी में आपको बता दिए हैं, अब आपको बॉडी पार्ट्स से इनको मैच करना है। तो यहाँ तक सब अपना वर्क अच्छे से कंप्लीट करके रखेंगे, बुक में ही करना है आपको सारा वर्क, और इसको लर्न भी करना है। थैंक यू।